أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام معزز اراکین عیدگاہ سنی بدر جیسے کہ آپ جانتے ہیں 7 نومبر بروز اتوار صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک پولنگ ہونے جا رہی ہے एग्जीक्यूटिव मेंबर का इलेक्शन हो रहा है। मैं मोहम्मद मज़हर अहमद ख़ान दुरानी मिल्ली खिदमत के जज्बे के तहत इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं और मेरा पैनल की जानिब से तमाम राहदिंदान से मेरी गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट हमारे पैनल के हक़ में इस्तेमाल करें और बेहतर खिदमत का मौका दीजिए। मुअज़्ज़िज़ अराकीन ईदगाह, आपको जब वोट करने जाना है तो सबसे पहले आपको पैनलों के जितने अराकीन ठहरे हैं, जितने मेंबर ठहरे हैं इलेक्शन के लिए, उन पर गौर करके आपका वोट इस्तेमाल कीजिए। जिस पैनल में साफ़ सुथरे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वकील्स हैं और बिजनेसमैन्स हैं, तकरीबन लोग साफ़ सुथरे हैं, देखकर सोच समझकर वोट दीजिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और एक ख़ास बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, काम करने वालों की कदर कीजिए, ना कि कान भरने वालों की। आप अपने हक़ का इस्तेमाल कीजिए और ईदगाह की तरक्की में जो लोग काम कर सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं, उनको वोट कीजिए। और मैंने साबिका कमेटी में रुजू होकर देखा है, वो लोग काम किए हैं, ईदगाह का डेवलपमेंट किए हैं, बहुत कुछ है। आवाम को वहाँ पर आकर देखने की फुर्सत नहीं है। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जब कभी भी कोई मसाइल उठते हैं तो कौम को ये चाहिए कि अपने कामों को लेकर थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुकाम पर पहुँच कर उनके कारनामों को देखना चाहिए। लेकिन आप लोग खाली लोगों के बयानबाजी पर ध्यान देते हैं और उन बातों पर यकीन करते हैं। आप ये जान लीजिए, जो लोग काम करते हैं उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो काम नहीं करता उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगता ही नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोगों से, जो लोग काम किए हैं उनके काम को देखकर आप वोट कीजिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई ना पेश करें, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत उसे तुम पर यकीन नहीं है वो मानता नहीं है आपको। तो देखिए दोस्तों और नौजवानों, इज़्ज़त का देना और ज़िल्लत का देना दो जहां का मालिक अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर मैं खुलूस दिल से ईदगाह की खिदमत कर रहा हूं, डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती जो मुझे जलील कर सके। अल्लाह की नज़र में जो काम करने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त बख्शता है, ये हकीकत है। आप दुनिया की कोई ताकत भी अगर उसको जलील करना चाहे तो कोई जलील हो नहीं सकता। अल्लाह को जानकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो काम किया जाता है उसको काबिले कबूल तस्लीम करना भी चाहिए। ईदगाह के अंदर बहुत से काम रुके हुए हैं जिसे आगे उसको पूरा करना है, इसलिए हम इस कमेटी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं
क्योंकि जो डेवलपमेंट काम रुका हुआ है उसके अंदर, ये डेवलपमेंट काम को अंजाम देना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आपसे, काम की बुनियाद के ऊपर हम आपसे वोट मांग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे पिनाल को ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सर से कामयाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब भी नतायज बरामद होंगे हमारा पिनाल जीतेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। इतना कहते हुए मैं आपसे रुख्सत होता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।